सीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए चीन के विदेश मंत्री श्री गांग के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भारत का वही पक्ष रखा जो ठीक दो महीने पहले का था। भारत ने एक बार फिर से ये दोहराया कि जब तक सीमा विवाद को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। यही बात ठीक एक हफ्ते पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू से कही थी और उसके पहले 2 मार्च 2023 को जयशंकर और गांग के बीच G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई बातचीत में भी भारत ने यही रुख दिखाया था। दूसरी तरफ चीन लगातार कह रहा है कि सीमा पर स्थिति सामान्य है जिसे भारत स्वीकार नहीं कर रहा है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।